और ये देखिए किस प्रकार से आजकल धान की लवाई मनाई चल रही है और किस प्रकार से लोग अपने अपने खेतों में आए हुए हैं, देख सकते हैं। और जैसा कि आपको अवगत कराता हूँ कि मार्च के महीने जो धान को बोया जाता है और 6 महीने के लगभग उपरांत अगस्त सितंबर में इसकी मनाई होती है, और इसके बाद इसको ये देखिए साटी नाम से विख्यात और इसका चावल बनता है धान, देख सकते हैं किस प्रकार से इसको फेंटा जाता है पाँव से। और उसके बाद इसका जो घास होता है गाय के काम आता है, सुखा कर इसे गाय को खिलाया जाता है। और ये देखिए ये है झंगोरा। झंगोरा एक पहाड़ी धान है जिसको कि बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, और इसका जैसे पीलिया हो गया, आपकी झंगोरे की खीर हो गई, तमाम प्रकार के झंगोरे के व्यंजन बनते हैं। अब तो विलुप्त की कगार पे है क्योंकि सारे देहरादून वाले हो गए हैं, तो पहाड़ी परिवेश में कोई आना नहीं चाहता है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं। ये देखिए अच्छे ढंग से ये देख सकते हैं किस प्रकार से खेतों की ओर कार्य प्रगति पे है, देखिए। और एक धान और होती है कौणी, वो तो अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। वो भी एक पहले के ज़माने में लोग भात बनाते थे कौणी का, और वो हमारे जैसे बीमारियाँ होती हैं पीलिया, इनमें वो बहुत प्रोटीन का काम करता है। ये देखिए, और ये है तिल। देखिए पहाड़ में बहुत सारे प्रकार की धान देखने को मिले, और यह है तिल। देखिए तिल तो बहुत जगह काम आते हैं, एक तो हमारे घर में जो पूजा होती है और जो हमारे लड्डू बनते हैं उनमें भी तिल का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए पहाड़ की सुंदरता, कैसे लोग अपने खेतों में आए हुए हैं ये देख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से इनको इकट्ठा किया जाता है धान को। अब इन्हें सुखाया जाएगा और फिर इनको चक्की पे पिरो कर इन्हें खाया जाएगा, 6 साल की मेहनत मेहनत के उपरांत। ये देखिए।